हेलो दोस्तों, आज हम इस ईयरबड का करेंगे अनबॉक्सिंग और टेस्ट। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो बिना समय वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस बॉक्स को करते हैं अनबॉक्स और टेस्ट। आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर ट्रस्ट का है जो कि एयर मेट्रेस बबल है। यह बेड है, ज़्यादातर हॉस्पिटल में यूज होता है। यह पूरा पीवीसी एयर बेड है। तो इस बॉक्स को हम करेंगे ओपन और आपको दिखाएंगे कैसा है। इसका वेट का बात करें तो वेट 3 केजी है। आप देख रहे हैं वेट इसका 3 केजी है। इस पर प्राइस बहुत ज़्यादा दिया गया है, 7800 है इस पर प्राइस, जो कि आप देख रहे हैं यूएस का कंपनी का है। इस बॉक्स को करते हैं ओपन और आपको दिखाते हैं क्या क्या है और इसका प्राइस भी बताएंगे। हम इस बॉक्स को कर रहे हैं ओपन। ये हमारा बॉक्स हो गया है ओपन और इसके साथ क्या क्या मिला है हमको ये आपको दिखाते हैं। ये कुछ मैनुअल बुक है जो कि पढ़ने के लिए है और ये हमारा मशीन है जो एयर निकालता है। आप देख रहे हैं यहाँ 2 छेद है, वहाँ से एयर निकालता है और यहाँ ऑफ ऑन का स्विच दिया गया है, यहाँ से ऑफ ऑन कर सकते हैं। और यह वॉल्यूम है, यहाँ से कम बेसी कर सकते हैं। यह मशीन है, आप देख रहे हैं यह मशीन है, यही एयर देता है। तो बबल है जो एनी टाइम फुला रहता है। यहाँ से आप इसको टांग सकते हैं या जो टांगना है यहाँ से टांग सकते हैं। देख रहे हैं 230 वोल्ट पे आपको चलेगा और इसके साथ क्या क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। देख रहे हैं पाइप है जो बबल और इस मशीन को कनेक्ट करने के लिए है। और ये हमारा बबल है जो बेड पे बिछाया जाता है, यही है, यही इसी में कनेक्ट होगा, ये फूलेगा। बाकी ये रिपेयरिंग किट है, अगर कभी कटेगा फटेगा तो यहाँ से रिपेयरिंग कर सकते हैं इस किट से। हम इसको अब चालू करके दिखाएंगे, कनेक्ट करके दिखाएंगे किस प्रकार यह हमारा वर्क करता है और कर रहा है। तो देख रहे हैं हम इसको चालू करेंगे। तो चालू करने के लिए इसको प्लग को बोर्ड में लगाएंगे, बोर्ड से कनेक्ट करेंगे और इस बबल यानी बेड को, एयर बेड को हम बिछा देंगे फूलने के लिए, इसमें हवा देने के लिए, तभी ये फूलेगा। साइज का बात करें तो मेट्रेस साइज है, यही साइज आता है मेट्रेस साइज। तो हम इसको बिछा देते हैं अच्छे तरह से ताकि इधर उधर ना हो और अच्छे तरह से इसको बिछा देना है। उसके बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे, इसको हम अच्छे तरह से बिछा दिए हैं। उसके बाद इसमें पाइप कनेक्ट करेंगे जो कि हमारा मशीन से कनेक्ट होगा। देख रहे हैं यही पाइप है इस बबल और मशीन को कनेक्ट करने के लिए। इसी से ये बबल फूलेगा यानी एयर बेड है। अब इस मशीन को करते हैं कनेक्ट, जो कि इस मशीन में आप देख रहे हैं 2 होल है, उसी में ये पाइप लगेगा दोनों में। अब देख रहे हैं इसको लगाना बहुत इजी है, इसमें लगा दीजिए और उसके बाद जो है आप लाइन है, लाइन में कनेक्ट करिए, जो कि हम कर रहे हैं कनेक्ट। लाइन में कनेक्ट हो गया है, उसके बाद बेड में जो दिया गया इसका पॉइंट उसमें लगा देना है। अब देख रहे हैं कितना इजी है इसको लगाना, इसमें लगा देना है। उसके बाद यह मशीन है तो यहाँ से ऑन करना है। यहाँ से ऑन करने के बाद यहाँ वॉल्यूम दिए गया है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है जरूरत के अनुसार। बढ़ाने के बाद ये ऑटोमेटिक आपका मशीन जो है ये धीरे धीरे बबल को यानी एयर बोर्ड को
फुलाना चालू कर देगा, इसमें हवा धीरे धीरे भरना चालू हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ समय लगता है, कम से कम आधा घंटा पौन घंटा इसमें लग जाएगा। अब देख रहे हैं धीरे धीरे इधर से चालू हो गया है फूलना, यहाँ से आपको सीधा दिख रहा होगा कि धीरे धीरे यह फूलना चालू हो गया है, धीरे धीरे फूल रहा है, बड़ी आसानी से ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे सब फूल जाएगा। देख रहे हैं इसमें अभी हवा कम है, लाइन बाई लाइन फूलता है, एक बार फूल जाएगा तो इसमें एनी टाइम हवा रहेगा, एनी टाइम लाइन इसको चाहिए कनेक्ट रहेगा तो एनी टाइम ये फूला रहेगा और रिलीफ मिलेगा। अब देख रहे हैं काफ़ी फूल गया है, कुछ समय के बाद देख रहे हैं काफ़ी फूल चुका है, धीरे धीरे सब फूल जाता है और इसमें एनी टाइम हवा रहेगा और इसको एनी टाइम कनेक्ट रखना है लाइन से। अब देख रहे हैं सारा फूल चुका है, तो इसका हम करेंगे अब टेस्ट, इस पर शो कर हम देखते हैं कैसा है। तो पूरा तरह फूल चुका है, अब देख रहे हैं काफ़ी आरामदायक है, इस पर सोना बहुत ही आसान है, शरीर में पेन यानी दर्द हो रिलीव कर देगा, यानी धीरे धीरे ख़त्म हो सकता है। हम देख रहे हैं किस प्रकार है वर्क कर रहा है ये, तो ऐसे आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।